पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। करण रुक यार, क्या कर रहा है? कैसे बिहेव कर रहा है तू यार? क्या हो गया तुझे? डैड, मैं शौर्य को ना अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जरूर किसी ऐसे इंसान को जानता है जो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है, और उसका ऐसे इंसान को जानना जो ड्रग्स यूज करता है या ड्रग्स सेल करता है, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। उसने एक बार नहीं सोचा फैमिली के बारे में, फैमिली की रेपुटेशन के बारे में? यार गलती हो गई उससे, प्लीज तू शांत हो जा। वो हर बार गलती करता है डैड, और हम ही उसे संभालते हैं। जब उसने रैश ड्राइविंग करते हुए कितने लोगों की जान लेने की कोशिश की थी, तब भी उसको मैंने संभाला था। फिर उसने उस बेचारी पलकी के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने चोरी की है उस ज्वेलरी स्टोर में, तब भी मैंने उसे संभाला था। और अब वो ये चाहता है कि मैं एक बार में बिलीव कर लूं कि वो इनोसेंट है, उसका ड्रग्स से कुछ लेना देना नहीं है। कैसे मान लूं मैं? तू मत कर बिलीव, जो वो कहता है उसकी बात पे विश्वास मत कर, लेकिन तू खुद बता तेरा दिल क्या कहता है। मेरा दिल तो ये कहता है कि वो एक अमीर परिवार का ना बिगड़ैल लड़का है। करण, वो जो भी है वो हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते ना यार। तू प्लीज एक बार उससे मिल ले, उसे अच्छा लगेगा। उसने कभी ये सोचा है कि हमें क्या अच्छा लगेगा है? अगर आज वो सही रास्ते पे चलता ना, तो पूरी फैमिली खुश होती, शांत होती, उसको देखकर उस पे गर्व करती। ये देखो, ये है शौर्य, कितना संभला हुआ है, कितना समझदार है। लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, उसने वही किया है जो उसका दिल चाहता है। फिर चाहे फैमिली की रेपुटेशन, फैमिली का नाम मिट्टी में मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैड, सारी बातों को खत्म करते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है क्या उसे सुधारने में, उसे समझाने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है उसके अंदर। आई एम ओवर। करण, डू यू रियली थिंक सो कि शौर्य ड्रग्स की सेलिंग में इन्वॉल्व है? नहीं, वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो कुछ गलत करने जा रहा था और वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो अरेस्ट हो गया, अंदर लॉकअप में बंद है। शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया इस बार। आई एम 100% श्योर कुछ बहुत बड़ा गलत करने जा रहा था ये। इसका तुम्हें पता लगा कर रहूंगा। शौर्य, उत्तर कैसा है? ठीक तो हो ना तुम? बोल ना, बोल क्यों नहीं रहा? बेटा, बेटा इस तरह से मुंह क्यों फेर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है हम कोशिश नहीं कर रहे? बेटा ये सच नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। बेटा नाराज मत तो हमसे, इस तरह से मुंह मत फेरो। आप लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। शौर्य, उत्तर तू ऐसे बातें क्यों कर रहा है? तुझे लगता है तेरे बिना हमारा घर पे जी लगता है, खुश है हम? नहीं। आप लोग ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि आप लोग मेरी फिक्र करते हैं, जो कि मुझे पता है नहीं करते। आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे बहुत फर्क पड़ता है आप लोगों पे, जो कि मुझे पता है कि नहीं पड़ता है? और ऐसे बिहेव कर रहे जैसे आपको केयर है बट नहीं है, एंड आई नो इट। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।